हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 8 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, अपने दिल्ली जा रही हूँ। और जो प्लान बना है एकदम रैंडमली बना है, कोई प्लान वगैरह कुछ नहीं था। जो कल चला गया ना, वो तब बना था प्लान, एकदम दोपहर को बना था, एकदम पक्का पक्का 100% वाला तब बना था। और मैं और क्रिशा जा रही हैं, बस हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है सोसाइटी की जहाँ पे हम रहते हैं, वहीं पर नीचे भैया भाभी हैं, वो जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो हस्बैंड ने कहा तुमको जाना ही है तो उन्हीं के साथ चले जाओ, तो इसलिए मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और प्लान कुछ भी नहीं था जाने का, एकदम हस्बैंड ने बोला कि नीचे वो जा रहे हैं तो तुमको जाना है तो देख लो। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा रक्षाबंधन पे भी जाना है मुझे, तो हस्बैंड ने कहा फिर रक्षाबंधन पे 3-4 दिन के लिए चलेंगे, तो अभी जाना है तो चले जाओ। और बस सब पैकिंग वगैरह जो है सब हो गई है और मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, फोन का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर फोन रखा हुआ है, जो जिनके साथ जाना है उनका भी फोन वगैरह आएगा, तो उन्होंने कहा था रेडी वगैरह हो जाना। पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, क्रिशा ने दूध वगैरह सब पी लिया है, सब कुछ हो गया है। बस जैसे ही उनका कॉल आएगी नीचे भैया भाभी के, तो वैसे ही जाना है। मैंने हस्बैंड से बोला तुम्हारे पैसे भी बच गए, तो इसलिए तो चलिए। और ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि फिर मैंने जो है कल कोई वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने कहा बताऊं नहीं बताऊं, मैंने कहा फिर मॉर्निंग में ही बनाऊंगी वीडियो जब जाऊंगी। फिर वो काम वगैरह भी हो गया था, क्योंकि एकदम रैंडमली प्लान बना, पैकिंग वगैरह करनी थी, घर के काम वगैरह जो है करने थे, निपटाने थे। फिर सुबह भी अभी जो मैंने है सारा काम वगैरह, झाड़ू वगैरह, डस्टिंग वगैरह, बर्तन, ये पोछा, मतलब जो भी है सब कर लिया जल्दी उठकर। और सबको धूप में भी जो जो लगाना था मैंने धूप में भी लगा दिया। और ये जो चादर है ये भी मैंने कल बिछाई, मैंने कहा हस्बैंड तो बिछाने नहीं वाले, मैंने कहा मैं बिछा के जाती हूँ ये कल, जो चादर मैंने बिछा ली, कपड़े वगैरह फिर कल ही धो लिए थे, तो ये जो भी काम है कर लिए। तो चलिए जब नीचे मैं जाऊंगी, फोन वगैरह आएगा तब आपसे मैं मिलती हूँ। और ये क्रिशा यहाँ पर देखिए रेडी हो गई है, क्या कर रही है क्रिशा। इसकी अपनी अलग ही पढ़ाई चल रही है, तो चलिए मैं अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। दो घंटा हो गया है और अभी गाड़ी रोकी हुई है, जिनके साथ मैं जा रही हूँ भैया भाभी के साथ, वो अभी मतलब गए हैं अभी यहाँ पर फ्रेश वगैरह होने गए हैं। और क्रिशा मुझे बनानी नहीं दे रही थी वीडियो, थोड़ा तंग कर रही थी और अभी जस्ट सोई है, तो मैंने कहा थोड़ी वीडियो मैं बना लेती हूँ। हम यहाँ पर जो है बीच में रेस्टोरेंट आ गया था, तो हम बीच में रुक गए थे थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि कार में ट्रैवल करते करते और एक ही जगह इतनी देर बैठे बैठे थक जाते हैं, और क्रिशा भी थोड़ी थक गई थी, तो बस चाय वगैरह पी उसके बाद फिर हम चले गए थे। और क्रिशा को जो है मैंने आइसक्रीम दिला दी थी, क्योंकि गर्मी वगैरह हो रही थी, तो मैंने कहा इसको मैं आइसक्रीम वगैरह दिला देती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह और चॉकलेट वगैरह तो मैं इतनी नहीं दिलाती हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर देखिए आइसक्रीम दिला दी। और फिर बस हम चले गए थे, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी ट्री था ये, तो मैंने कहा क्रिशा की यहाँ पर फ़ोटो खींच देती हूँ, देन उसके बाद हम निकल गए थे। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. No makeup, how do you look so fine? Bless up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute, hold on.
तो यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ भाई की गाड़ी में, भाई के साथ, और अब जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, क्योंकि उनने आधे रास्ते छोड़ दिया था, गुड़गांव की तरफ ही साइड ऐसे कुछ छोड़ा था, क्योंकि उनको अपने बच्चों को लेने जाना था, एयरपोर्ट लेने जाना था, तो पूरा तो नहीं आ सकते थे, आ गए थे दिल्ली के अंदर ही आ गए थे, धौला कुआँ गुड़गांव की तरफ, मतलब इसी तरफ ऐसा कुछ रास्ते पर आ गए थे बीच में, तो मेरा भाई भी फिर वहीं पर आ गया था, और मैं ज़्यादा जो है वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि बच्चे थे साथ में, थी साथ में, और थोड़ा परेशान कर रही थी, वॉमिट हुआ उसे, उसने जो है पोटी वगैरह, बच्चे जो है परेशान कर देते हैं, क्योंकि इतना लंबा रास्ता होता है, गाड़ी के अंदर थोड़ी घबराहट वगैरह हो जाती है, हमें भी होती है, बट हम तो बता देते हैं, बट जो बच्चे हैं वो इतना नहीं बोल पाते हैं। मैंने कहा फिर चलो, क्योंकि बच्चा है पहले, तो वीडियो तो जो है बनती रहेगी, तो मैंने इसलिए जो है ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और ये जो यहाँ पर एक रिक्शा सो रही है, तो मैं ना ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, और अभी मैं है ना भाई आगे मतलब बीच रास्ते में आ गया था लेने, और वो तो मैंने जैसे बताया कि एयरपोर्ट चले गए हैं, तो वो गुड़गांव की तरफ आ गया था मेरा भाई, तो अभी तो कुछ लेने गया हुआ है वो, तो मैं ज़्यादा ना वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ, ये कभी परेशान कर रही है, कभी उल्टी कर रही है, अभी जैसे अभी तो सोई है ये, हो गया इसको आधा पौने घंटे से ज़्यादा हो गया, तो मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही, उसने बीच में वॉमिट भी कर दी थी, तो बस अब हम घर भी जो है वो पहुंचने वाले हैं, तो चलिए फिर ज़्यादा मैं आज वीडियो बना नहीं पाऊंगी, मैं भी थक गई हूँ और इसने भी मुझे जो है खूब परेशान किया, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है ना 5-6 घंटे का, क्योंकि बीच में ट्रैफिक वगैरह भी होता है, तो इसलिए तो चलिए अब घर पहुँचती हूँ फिर देखती हूँ। तो यहाँ पर बस अब मैं पहुँच गई हूँ, घर पहुँच गई हूँ, ये घर का रास्ता है, तो बस अब सीधा घर जाऊंगी, और मैंने घर में भी जो है ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि थक गए थे, और मैं भी थक गई थी, कीशा भी थक गई थी, बस वहाँ पर जाकर जो है थोड़ी थोड़ी मैंने जो है क्लिप रिकॉर्ड कर ली, कभी थोड़े बीच बीच में एकदम गैप में, ये नहीं कि एकदम कंटिन्यूसली जो है वीडियो बनाई, कभी दोपहर को थोड़ा सा मतलब बना लिया, फिर थोड़ी शाम को बना ली, और ये थोड़े ये बच्चे उसके बाद जब फ्रेश वगैरह हो गए थे, कुछ खा पी लिया था कीशा ने भी मैंने भी, तो थोड़ी खेल लग गई थी, और ये जो है भैया भाभी का बेटा ये भी आ गया था, तो हम दोनों खेलने लग गए थे, एकदम से तो बच्चे नहीं घुल मिलते, क्योंकि जो है कीशा अभी अभी आई है, एकदम से तो थोड़ा टाइम लगेगा घुलने मिलने में, तो ये देखिए कैसे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। देखो वो क्या है, पा करो तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा ये जो कपड़े वगैरह हैं इनको अपनी अपनी जगहों पर सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ काम था नहीं, तो मैंने कहा ये कपड़े वगैरह ही सेट कर लूँ, क्योंकि कृषा का भी है जो चाहिए होते हैं एकदम से, और मुझे भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा कर ही लेती हूँ हाथों हाथ, फिर बाद में ऐसे ही रह जाता है, तो चलिए मैं भी करती हूँ व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको ये आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीदी के साथ खेलेंगे, दीदी के साथ खेलेंगे।